हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आए हैं अबाउट दी सीए फाइनल एसएफएम मई 23 पेपर। हाँ जी, मई 23 तो सच्चा चला गया। हाँ जी, उसी के बारे में आपको पता है। एज अ टीचर यू नो यू फील वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड व्हेन यू आर एबल टू डिलीवर योर कंटेंट टू योर सैटिस्फैक्शन टू द स्टूडेंट्स। बट यू नो व्हाट गिव्स ग्रेटर सैटिस्फैक्शन टू द टीचर, जब वही स्टूडेंट वही एग्जाम दे के निकलता है और वो खुद सेटिस्फाइड फील करता है। एंड बिलीव मी, वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट दे वर कंटेंट एंड हैप्पी विद द पेपर। द पेपर वॉज येस अबव एवरेज, इट वॉज एवरेज अबव एवरेज बट नॉट टफ, एंड दे वर एबल टू रीजनेबली परफॉर्म वेल इन द पेपर। दैट इज वॉट गिव्स अस अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस, मेजर पार्ट ऑफ द एंटायर पेपर वॉज फ्रॉम आवर एसकेसी क्वेश्चन मैट। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली एक या दो ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ईजी थे, सिंपल थे, लेकिन एसकेसी मैट में सेम टाइप के सम नहीं थे, दो सम्स के मर्जर किए हुए थे। लेकिन मेजॉरिटी सम्स ऐसे थे, मेजॉरिटी सम्स बोल रहा हूं मैं, हाँ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी सम्स ऐसे थे जो हमने रेप्लिका सम्स क्लास में किया या ऑलमोस्ट सिमिलर सम्स क्लास में किया है। कुछ फिगर्स चेंज थे, खाली कुछ वेरिएशंस था, ट्वीक था माइनर, लेकिन उसके साथ वो सम्स आए थे। बट यू नो ऐसा नहीं है कि हम आपको इन जनरल खाली ये बताने के लिए आ रहे हैं कि यू नो पेपर कैसा था, या आई एम श्योर द वंस हु गेव द पेपर हैव एन आइडिया, द वंस हु नेवर गेव रियली आरंट वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। बट कुछ लोगों को ये पेपर अबव एवरेज थोड़ा टफ लगा। टफ लगने का रीजन क्या होता है, आई टेल यू। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ डेज प्रेफर अ शॉर्टर ड्यूरेशन कोर्स। रिमेंबर, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, एसएफएम आपका बेस है, फिनेंस आपका लाइफ लाइन है। मोर देन 80% ऑफ प्रोफेशनल्स गो इन अ जॉब एंड मोर देन 80% ऑफ दोज प्रोफेशनल्स, यानी ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पीपल विल ऑलवेज गो इन अ फाइनेंस जॉब। सो वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आई एम श्योर मोर देन 2/3 ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस और द वंस हु आर बिकमिंग CA CMA विल ऑलवेज बी डूइंग अ फाइनेंस जॉब। So when you know finance is so important in your life, never do a short-term crash course kind of a thing for that. You should always study exhaustive. And कोई भी preparation practical paper का है, exhaustive तभी होता है जब आपने practice sufficiently किया होता है। हम अपने classes में, and we are proud to say this for our students, हम अपनी classes में we practice not like 200, 300 questions, not like 400, 500 questions, not like 600, 700 questions. In our classes, we have practiced 850 plus questions. Haan ji, we have practiced 850 plus questions in classes. लीव असाइड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। हम वो नहीं करते कि आपको खाली क्लासवर्क का सम्स अलग से दे दे और 200 घंटे का होमवर्क अलग से दे दे, वो हम नहीं करते। हमने सारे होमवर्क भी एग्जैक्टली प्रॉपर लाइक अ क्लासवर्क क्लास में सॉल्व करवाया हुआ होता है, विच इज वाई आर ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस टोटल कोर्स विल बी अराउंड 230 आवर्स। बट उस 230 आवर्स में 850 प्लस सम्स हमने प्रैक्टिस करवाया है, उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम आने का डाउट इच नहीं बचता। तो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, पेपर में कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा और वो प्रैक्टिस हम इतना एग्जॉस्टिवली करते हैं। हमने कई कई चैप्टर में 100-100 सम प्रैक्टिस किए हैं। ये 100 सम प्रैक्टिस करने के बाद आप सोचो ना कैसे गलती कर पाएंगे हम, इतना वैरायटी ऑफ सम सम कवर करते हैं। हमने 2008-09 से इस पेपर को देख के, बहुत सारे टीचर्स ने आपको बताया होगा कि ये ओल्ड सिलेबस वाले RTP MTP के क्वेश्चन थे। हम तो हमेशा से अपने बच्चों को बोलते आए हैं ओल्ड सिलेबस भले ही ओल्ड हो गया हो, बट ओल्ड इज गोल्ड। ये ओल्ड वाले क्वेश्चंस घुमा के हमारे इंस्टीट्यूट देता रहता है। हमने वो 2008 से जितने RTP MTP पास्ट क्वेश्चंस के अच्छे वाले क्वेश्चंस थे वो मैट में इनकॉर्पोरेटेड थे। जो बच्चे अच्छे से मैट करके गए थे वो ऑब्वियसली अभी अच्छा फील भी कर रहे हैं। With such exhaustive practice, I am sure you also understand there's nothing much that remains for a student. You know, there's not that problem that happens. However, just to give you a feedback on the paper. So यू नो आप लोगों ने, आई एम अज्यूमिंग ऑब्वियसली पेपर तो देख ही लिया होगा। सो अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल गिव यू जस्ट अ
quick walk through the entire paper. I'm going to keep this video a little short, so I'll give you a quick walk through the paper and I will try and show you how the questions were very similar to the sums that we've discussed in class. So the first question, we've done this question in our chapter for security valuations, where aap basically buyback wala sum karte the, jahan yahan pe hum loan leke buyback karne wala sums kare. Logon ne ek sum do sum buyback ka kiya hota, humne 4-5 sum se zyada buyback ke sums kiye hue hote, including ye same sum kiya hua tha, similar sum kiya hua tha, khali ek chota sa farak kiya tha. Yahan hamare ko pehle EPS pre post se, प्री बायबैक पोस्ट बायबैक से हमारे को ईपीएस प्री पोस्ट निकालना था, उससे पैट प्री पोस्ट निकालना था, उससे हम कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं ये निकालना था फर्स्ट पार्ट, उससे कितना लोन लेंगे वो निकालना था सेकंड पार्ट, और उससे बायबैक का प्रीमियम निकालना था. क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना? तो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन हैड टू बी सॉल्व. पी रेशियो सेम था बोल दिया था, तो पी रेशियो सेम है प्री पोस्ट ये बोल दिया, प्री बायबैक का अपने लिए डेटा दे दिया था कि अपने ईपीएस कितना है, पोस्ट बायबैक का प्राइस दे दिया था, वहां से अपने लिए ईपीएस निकल गया, पैट निकल गया, बायबैक का शेयर्स निकल गया था, वहीं से पूरा सम सॉल्व हो रहा था. अगर मैं क्लास वाइज आपको बताऊं, सो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिमिलर टू इक्विटी एंड हाइब्रिड के अंदर हमने एक सिमिलर सा सम्स किया था. आई विल शो यू दैट सम ऑल्सो. सो या सो सबसे पहला सम ये देखो, दिस वॉज वन सम दैट वॉज वेरी सिमिलर टू दैट. द कंपनी प्लान्स टू फंड इट थ्रू 16% टर्म लोन. आप बायबैक करने का कोशिश कर रहे हैं 20% ऑफ द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू द करेंट मार्केट प्राइस. यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट दिया हुआ था, यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट निकालना था, बट 20% बायबैक कर रहे हैं, लोन लेके बायबैक कर रहे थे. तो वेरी सिमिलर सा क्वेश्चन था अपने लिए. वापस 44 सिमिलर सा एक बायबैक का सम किया था हम लोगों ने. नेक्स्ट पेज वापस 45 वापस बायबैक का सिमिलर सा सम्स किया था हम लोगों ने. सो देयर आर लॉट ऑफ सच बायबैक सम्स दैट वी हैव डन ऑलरेडी इन द क्लास. ओके, बट 43 वॉज द रेप्लिका सम जिसका सिमिलर था ये सम अपने लिए. क्वेश्चन नंबर 1B में आते हैं. 1B आई मीन बार बार बोलते हैं फॉरेक्स डेरिवेटिव सेकेंड वॉल्यूम का सम्स है हमारे मैथ्स का. सो वी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 2 का सेकेंड वॉल्यूम का सम्स है ये फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव. एंड बिलीव मी ये फॉरेक्स वाले सम्स अगर आप देखोगे ना पूरा डिट्टो, खाली एक दो फिगर्स डिफरेंट था. सो आई विल शो यू दिस सम. कुछ नहीं, नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अपने को तीन अलग अलग हेजिंग टेक्निक्स दे दिया था, या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फ्यूचर्स यूज कर सकते हैं, या नो हेज होगा. तीनों का ऑप्शन का अपने को वैल्यूज निकालना था, कंपेयर करना था. दिस इज सिमिलर टू आई विल टेल यू फॉरेन एक्सचेंज का वी डू अ लॉट ऑफ सम्स. यू नो you will see the numbers on the screen also. Look at the sum, it's almost a replica, same figures diya hua tha. In fact if you will notice humne do sum karwaya hua hai, theek hai na. Second wala sum mein to bahut sare figures bhi similar hai. Yahan pe notice kariyega initial margins, interest rates, a lot of content is exactly a replica. Forward, futures and no hedge. Compare karna tha aapko. So this is how 1B was similar to the sums that is replica there in our mat. 1C theory tha apne liye. Main practicals aapko compare karwana chah raha hu. 2A where ka ek new sum tha. So this was definitely a new type of sum. Jo similar type of sums class mein practiced बहुत कम लोगों का होगा, लेकिन अगर कोई स्मार्टली सोचा हो तो आपको कहां से आप पिक कर सकते थे. आपको रिटर्न और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था. रिटर्न प्रोबेबिलिटी आप पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट से एसडी और मीन निकाल सकते थे. एक बार आपने एसडी और मीन निकाल लिया फिर आपको वैर अप्लाई करना आता है. एसडी मीन से वैर अप्लाई करना हमने बहुत सारे सम्स किए हैं, मैट का सम्स किया है हम लोगों ने. सो इसमें यह एक स्टेप अलग था कि जहां पोर्टफोलियो और वैर दोनों एक साथ अप्लाई करना था, ये पार्ट नया था. लेकिन दोनों अलग अलग अपने अपने कई सारे सम्स में कर चुके थे, खाली मर्ज करके एक साथ अप्लाई करना था इस सम के अंदर. पर ये नया मान रहे हैं अपने 8 मार्क वाला सम. ओके, 2B वाला जो सम था, 3 स्टेज डीडीएम बोलते हैं जिसको हम लोग, एक हाई ग्रोथ, एक ट्रांजिशन और फिर एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ.
तो ये जो थ्री स्टेज डीडीएम वाला सम था, वापस बहुत सारे सम्स डीडीएम, इनफैक्ट मैं तो इंटर वालों को भी डीडीएम प्रैक्टिस करवा देता हूँ, मैं तो इंटर वालों को भी थ्री स्टेज डीडीएम का एक सम तक करवा देता हूँ कि आइएगा फाइनल में, तब और मजा करेंगे साथ में। दैट इज हाउ वी प्रिपेयर यू वन लेवल नॉच अप, ताकि वो जो एक लेवल ऊपर वाला पेपर आता है ना, तब बच्चा असली मजा करके आता है हमारा। सो ऑब्वियसली टू बी वाला सम वॉज इक्विटी का सम, इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर वी डिड दिस क्वेश्चन नंबर 18 वाला जो सम हमने क्लास में किया था, दिस वाज अ सम जहां पे इनिशियल एक लेवल दिया हुआ था, फिर एक ट्रांजिशन पीरियड था और फिर उसके बाद कांस्टेंट पीरियड था, वापस क्वेश्चन नंबर 20 ये वाला और एक सिमिलर सम था, इनिशियल था, ट्रांजिशन था, कांस्टेंट था। नॉर्मल थ्री स्टेज डीडीएम के और भी सम सबने प्रैक्टिस किए हुए, थ्री स्टेज डीडीएम का स्टैंडर्ड सम था ये अपने लिए। टू सी थ्योरी था अपने लिए, थ्री ए आई मीन मजा आ गया था जब ये सम देख रहे थे हम। तो ये वाला सम के जैसा हमने दो तीन सम करवाया है, दो तीन एक भी नहीं, दो तीन सम करवाया है, एक सम फॉरेक्स के साथ में करवाया है, दो सम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में करवाया। सो मतलब क्या होता है ना, यहां पे एक सुकून मिलता है कि ओके व्हाट वी डिड वाज रियली हेल्पफुल फॉर दी स्टूडेंट्स। ये यॉर्कशायर वाला सम, ये सिटी बैंक वाला सम, ये दोनों सम एकदम सिमिलर सा सम था जहां पे आपको एक स्वॉप कंस्ट्रक्ट करना था, स्वॉप कंस्ट्रक्ट करना था, दोनों का एक्सपेक्टेड बेनिफिट निकाला हुआ था, और एक बीच में इंटरमीडियरी बैंक वाला सम था, प्लस हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 में, ये तो एकदम डिट्टो वाला सम है, जापानीज येन वाला सम, ठीक है ना, तो INR येन वाला सम था एकदम रेप्लिका सम्स। गेन इफ एनी विल बी शेयर्ड इक्वली दिया हुआ था, यहां पे दोनों को कितना कितना मिनिमम गेन चाहिए वो बताया हुआ था, और एक 21 में भी किया था हमने सिमिलर सा सम। नोटिस करो, दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से, कि एक कॉन्सेप्ट पे हमने तीन तीन चार चार सम्स किया हुआ है सर, तो प्रैक्टिस इतना किया हुआ है कि उसके बाद प्रॉब्लम आने का स्कोप ही नहीं बचता अपने लिए। ओके, थ्री बी, थ्री बी आई एम श्योर कोई भी बच्चा कहीं से भी क्लासेस किया होगा उसको दिक्कत नहीं आ सकता, दिस इज सो ऑब्वियस अ क्वेश्चन, मतलब ये इतना पॉपुलर सम है कि आई एम श्योर ये तो मैट में भी कई बार आप लोगों ने सम देखा हुआ होगा, डेरिवेटिव्स का स्टैंडर्ड सम्स में से एक है। ओके, सो डेरिवेटिव्स का बेसिक क्वेश्चंस में से एक में आता है ये। ये वीट वाला, राइस वाला, वीट ट्रेडर, राइस ट्रेडर, सेम टाइप का सम्स था, अपन क्लास में कर रहे थे 2021 वगैरह, ऑलमोस्ट अ रेप्लिका सम्स है अपने क्लासेस का। थ्री सी वॉज अ थ्योरी, फोर ए, नाउ फोर ए में लॉट ऑफ पीपल थॉट सर ये सम कौन सा वाला सम करना है, बट प्रैक्टिकली क्या था, आपको बॉन्ड का आज का प्राइस दिया हुआ है, द प्राइस आर विद द अदर पर्सन इज विलिंग टू बाय बेस्ड अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू, बेस्ड अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ है, आज का इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कूपन रेट पता है आपको, ठीक है ना, रिडेम्पशन वैल्यू पता है आपको, रिमेनिंग लाइफ पता है आपको, और क्या ही पता था, आज का मार्केट प्राइस निकालना था, वोलेटिलिटी निकालना था, बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना था अपने लिए, मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन एंड वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड निकालना था। टू कंपेयर दिस, हमने बॉन्ड्स में डिस्कस किया था आपके साथ ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर था, थोड़ा सिमिलर था, लेकिन एकदम रेप्लिका सम था ये वाला, एकदम रेप्लिका ऑलमोस्ट, जहां आपको बॉन्ड दिया हुआ है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस दिया हुआ है,
रेट्स वगैरह अपने को दिए हुए थे एंड ऑल वी हैड टू डू इज फाइंड आउट द मार्केट प्राइस एंड देन एक बार प्राइस निकल गया तो उसके बाद बॉन्ड वोलेटिलिटी ड्यूरेशन निकालना वाज अनदर स्टेप ओनली इन टू इट. 4B मतलब 4B देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब चीटिंग हो गया हमारे साथ, हमारा हमारा सम चुरा लिया किसी ने. मतलब हम भी ऑब्वियसली कहीं से सम लेके डाल रहे हैं, बट दैट इज हाउ वी हैव बीन एबल टू सेलेक्ट द राइट सम्स एंड देन दैट एग्जैक्ट रेप्लिका सम हैज कम अप फॉर द स्टूडेंट्स. बड़ा खुशी होता है जब ऐसा सम देखते हैं. लुक एट द सम. आई मीन आप अगर नोटिस करोगे इंडेक्स फंड ट्रेजरी बिल सारा डेटा एग्जैक्ट है. आप ढूंढते जाओ, खाली करेंसी का फर्क कर दिया इन लोगों ने कि यहां पे येन रुपी के लेके सम दिया हुआ था और अपने वाले सम के अंदर करेंसी चेंज कर दिया, उतना ही डिफरेंस था, बाकी डिट्टो जित्तो कित्तो. ओके, 4C वॉज अ थ्योरी फॉर अस. 5A. Now, some people told me 5A. I mean, just happening to discussion में 5A मतलब आई एम श्योर अगर आपने म्यूचुअल फंड प्रैक्टिस किया होगा तो हर जगह जहां से भी आपने प्रैक्टिस किया होगा आई एम श्योर ये सब आपका देखा हुआ होगा. ये देखिए डिट्टो डिट्टो कुछ भी चेंज नहीं, मतलब फिगर्स को छोड़ के, एक दो फिगर्स को छोड़ के डिट्टो सम. दैट इज हाउ अ रेप्लिका सम्स वेर देयर इन द क्वेश्चन पेपर. दैट इज हाउ व्हाट मेड अस मोर कॉन्फिडेंट कि पेपर स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली चूज अच्छे से किया गया है सम्स. बट अगर बच्चों ने प्रैक्टिस किया है तो प्रॉब्लम आने का तो सवाल ही नहीं उठता. देयर इज नो चांस दैट यू कुड हैव एन इशू अनलेस यू हैव नॉट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस प्रॉपरली. ओके, फाइव बी आई विल से, 5B अगेन आई विल नॉट से इट इज अ सेम सम दैट आई हैव डन, बट इट इज अ वेरी इजी सम एज कंपेयर टू द टू सम्स दैट वी हैव डन. सो हमने हमने क्लास में ये जेंसन ट्रेनर को लेकर हमने जेंसन ट्रेनर को लेकर ये डेटा निकालना सिखाया है एंड हमने SML डेटा से SML यूज करना के बनाना सीखा है. एक बार आपके पास बीटा RF RP है तो ऑब्वियसली आप SML डिराइव कर सकते हो, वो SML डिराइव करना हमने सिखाया है. सो आइडियली हमने ये दो अलग अलग पार्ट्स में किया है विथ फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स. वील जस्ट सी दैट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, बट ऑब्वियसली दिस इज अनदर सम दैट वी डिड नॉट डू रेप्लिका सम. वी हैव नॉट डन रेप्लिका सम, सो आई हैव नॉट कम एंड यू नो टोल्ड यू कि सब चीज रेप्लिका है मेरा, मैं वो नहीं कर रहा. यस, ऐसे ऐसा ऐसा तीन सम मैं भी मान रहा हूं कि जो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं था, लेकिन उस तीन सम को छोड़ के रिमेनिंग जितना सम था वो ऑलमोस्ट रेप्लिका या ऑलमोस्ट क्लोज टू रेप्लिका सम्स था. ओके, सो इफ आई विल टेल यू 5B, दिस वाज सिमिलर टू एक म्यूचुअल फंड वाला सम था. अच्छा, तो म्यूचुअल फंड वाला सम तो हम लोग ना ये म्यूचुअल फंड में करते हैं जहां पे आपको जहां पे आपको शार्प ट्रेनर दिया हुआ है. दो टो फंड का शार्प एंड ट्रेनर दिया हुआ है एंड वहां से डेटा आपको डिराइव करना है. दूसरा, हम पोर्टफोलियो में सम करते हैं जहां आपको SML डिराइव करना पड़ता है. नाउ वंस यू हैव द ट्रिकियर पार्ट वॉज जहां यहां पे अपने को ये सम भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, रेप्लिका सम है. करेक्ट, दिस वॉज द सम जहां पे अपने को SML डिराइव करने को दिया हुआ था. वंस यू हैव कैलकुलेटेड द बीटा, यहां भी बीटा डिराइव करना था, बीटा डिराइव कर लिया, फिर SML को क्रिएट करने का सम दिया हुआ था. ओके, फाइव सी वॉज अ थ्योरी फॉर अस. 6A मतलब
ऐसा सम है जो मैं कौन से सम से कंपेयर करवाऊं, मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमने लिटरली ऑलमोस्ट हर मर्जर के सम्स में हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस मिला के ऑलमोस्ट 70-80-100 सम्स कर लिया होगा। उसके अंदर नॉर्मल दो कंपनी का दिया हुआ है, अपने को टारगेट का प्री मर्जर ईपीएस निकालना है, टारगेट का मार्केट प्राइस निकालना है और फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालना। दैट इज लाइक अ बेसिक सम ऑफ मर्जर जो लिटरली हर सम में हमने कर रखा होगा। सो आई एम नॉट इवन गोइंग टू फाइंड आउट वन सम बिकॉज आई मीन वी वुड हैव डन ऑलमोस्ट 50 सम्स विद सिमिलर, 50 तो नहीं चलो फिर भी 15-20 सम्स विद सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। 6B आईसीएआई का मैट का सम है, हर टीचर डेफिनेटली करवाता है, 18 नंबर वाला सम आईसीआई मैट का सम है। 3 तो अलग अलग सिक्योरिटीज़ दिया हुआ, 2 पोर्टफोलियो दिया है, 3 सिक्योरिटीज़ दिया है, 1 स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट सम है जो आईसीआई कई बार जब भी पूछा है डिटो पूछा है सेम सम आया है। 6C वॉज अ थ्योरी फॉर अस। सो इफ यू नोटिस अपने पेपर में द एंटायर पेपर हैड अ थ्योरी ऑफ 20 मार्क्स, या 24 मार्क्स बोलते थे लास्ट वाले का ऑप्शन मिला के, ठीक है ना, एंड द एंटायर पेपर वॉज 124 मार्क्स, करेक्ट इंक्लूडिंग द ऑप्शंस एंड द क्वेश्चंस दैट वी फाउंड थोड़ा नया वी कैन से वॉज 16-24 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन आप किसको किस कैटेगरी में डालना चाहते हो, ये आपके चॉइस पे मैंने छोड़ा, लेकिन 16 मार्क्स आई वुड से लेट्स से 8-16 मार्क्स, क्योंकि मेरे हिसाब से एक वो वैर वाला सम था जो एक प्रैक्टिकली नया सा था जिसमें दो नए कॉन्सेप्ट लगाने पड़े थे, और वो एसएमएल वाला सम तो वापस सिमिलर सा सम था जो हमने कर रखा था, मर्जर वाला सम वापस एक रेप्लिका सम था जो बहुत बार किया हुआ था। लेट्स से मैक्सिमम चलो 20 मार्क भी पकड़ लो तो भी 80 मार्क का न्यूमेरिकल्स ऐसा था जो आपके लिए कॉपी पेस्टेड था, रेप्लिका सम्स था। सो आई एम श्योर इस पेपर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई मीन 60-70 मार्क्स का सम्स आप डेफिनेटली इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, थ्योरी लेकर आई एम श्योर अबाउट 70-80 मार्क्स स्कोर करना इस पेपर में चैलेंज हो ही नहीं सकता। हाउएवर इफ यू हैवंट प्रैक्टिस्ड वेल इनफ देन द पेपर बिकम्स डिफिकल्ट अबव एवरेज एंड टफ। Practice is what helps you always in a practical paper like SFM. That is what we have always believed in. That is why we always have a 230-hour regular course. We don't believe in crash courses and shortcuts. We have revisions. We have everything that the student demands. But at the end, this is what we tell students that this is what is best for you. 850 plus sum class mein karenge. Uske baad aan de ho. अपने आप पेपर अपने लिए अच्छा जाने वाला है। प्रैक्टिस हार्ड एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल इन योर SFM पेपर एज वेल। पीपल हु आर अपियरिंग इन नवंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स, रिमेंबर प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इन योर SFM पेपर। इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग वेल। इफ यू हैवंट प्रैक्टिस्ड वेल इनफ Now is an eye opener. Start your practice now. If you want any assistance from our side, we will be more than happy to help you in your preparations. Feel free to get back and connect with us for your SFM preparations. All the best and happy studying. And don't forget to subscribe to our channel. And don't forget to like it. We'll see you all in the next session, everyone. Thank you.